हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो यार इस चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं माल्टा से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और पिछले 5 साल से मैं माल्टा में हूँ। ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज देख रहे होगे आप, अगर इनमें से आपको कोई भी लेनी है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने डाल रखा है अपना ईमेल एड्रेस भी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ एंड तक बन रही है, क्योंकि जो आज मैं टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ वो इनकम टैक्स की। माल्टा में आप टैक्स कैसे पे होता क्या है? बेसिकली कई बार होता ये है कि आप चेंज करते हो कंपनी, और जब कंपनी चेंज करते हो आप तो टैक्स, सपोज करो नई कंपनी ने कम काटा है या एक्स्ट्रा काटा है, तो ये कई बार हो जाता है। स्पेशली जब आप चेंज करते हो एम्प्लॉय तब ये दिक्कतें आती है। तो अब मेरा क्या है, मैंने चेंज करी कंपनी, तो अब जो 2023 चल रहा है 2022 का टैक्स अब मैं पे कर रहा हूँ 2023 में, क्योंकि जो मेरी नई कंपनी थी उसने कम टैक्स काटा, अब मुझे खुद टैक्स पे करना है अपना। तो टैक्स स्टेटमेंट आती है मेरे ख्याल से अक्टूबर तक आ जाती है। नेक्स्ट ईयर 2 का जो टैक्स है वो 2023 जो टैक्स स्टेटमेंट है वो अक्टूबर तक आ जाती है मैक्सिमम। तो उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है, वो आपको दिखाऊंगा मैं, उस रेफरेंस नंबर से आप पे कर सकते हो दोस्तों टैक्स। तो चलिए सीधा आपको मैं स्क्रीन पर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आप टैक्स कैसे पे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ CFR की वेबसाइट। आप गूगल में टाइप कीजिएगा CFR माल्टा, ठीक है जी। सबसे पहले जो है आपकी मिल जाएगी आपको वेबसाइट। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल मेन्यू में जाना है, ठीक है जी। आपको ई सर्विसेज देनी है, मतलब इन द सेंस आपको ई पेमेंट करनी है, तो ई सर्विसेज में जाइएगा। और ई सर्विसेज जाने के बाद आपको पेमेंट करनी है इंडिविजुअल टैक्स ई सर्विसेज, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपके सामने देखिए जी 3 ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें सबसे लास्ट पेमेंट ऑप्शन आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू इफेक्ट पेमेंट्स, ठीक है जी। जब आप क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन आएंगे, पे विद योर क्रेडिट / डेबिट कार्ड या फिर पे थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो मेरे पास अभी इंटरनेट बैंकिंग नहीं है यहाँ की, तो मैं सिर्फ डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे जब आप क्लिक करोगे उस पर। तो पेमेंट रेफरेंस नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल जाएगा जब आपकी जो टैक्स स्टेटमेंट आएगी उसमें लास्ट में बॉटम पार्ट में आपको जो है मिल जाएगा कि भाई कितनी जो है पेमेंट करनी है, प्लस आपको मिलेगा रेफरेंस नंबर, वो आपको मैं अभी दिखा दूंगा। तो वो आप यहाँ पर पेमेंट रेफरेंस नंबर डालेंगे, अमाउंट डालोगे आप, ठीक है जी, कितना दिखा रहा है आपको टैक्स स्टेटमेंट पे, और पे नाउ, दैट्स इट, ठीक है जी। तो रुकिए जी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये रही टैक्स स्टेटमेंट, और ये टैक्स स्टेटमेंट भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, और हालांकि आपको ईमेल पे भी मिलेगी। तो आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये जो टैक्स पेमेंट कर रहा हूँ मैं ये 2022 की कर रहा हूँ, 2023 में मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 31 दिसंबर 2023 है, ठीक है जी। तो देख लीजिए ये टैक्स स्टेटमेंट है, थोड़ा सा समझिएगा। और मुझे लगता नहीं है कि ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ कि किसी ने अब तक डाली होगी कि किस तरीके से आप टैक्स पेमेंट कर सकते हो सकता है शायद डाली भी हो, बट मुझे यूट्यूब पर नहीं दिखी। तो ये 2 ईयर है, मतलब ईयर तो एक ही है, ईयर ऑफ असेसमेंट और बेस ईयर। बेस ईयर मैं 2022 की पे कर रहा हूँ, ईयर ऑफ असेसमेंट 2023, मतलब एक्चुअल जो मैं अगर कैलेंडर ईयर बोलूँ या मैं साल बोलूँ सिंपल वर्ड्स में, ये 2022 की मैं पेमेंट कर रहा हूँ 2023 में। ईयर ऑफ असेसमेंट सेम ही है, जो अगर अगर आप इंडिया में पढ़े हो या लिखे हो, मतलब आपने CA कर रखा है या फिर आपने इवन MCOM BCOM वगैरह कर रखा है, या इवन आप जानते हो टैक्स सिस्टम को इंडिया में, तो ईयर ऑफ असेसमेंट सेम है जैसे असेसमेंट ईयर है, ठीक है जी। तो अगर आप इस समय आप सपोज करो 2023 में हो, 2023 चल रहा है, तो हम असेसमेंट ईयर बोल सकते हैं 23-24, ठीक है जी। तो मैं 2000 बेस ईयर मतलब क्या हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर,
तो मैं एक्चुअल में 2022 की पेमेंट कर रहा हूँ 2023 में। इसकी डेडलाइन क्या है, मैक्सिमम आपको 2023 तक कर देनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखो तो कंपनी का नाम वगैरह लिख रखा है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है टैक्सेबल इनकम शो कर रखी है, और यहाँ पर लिख रखा है कि भाई कितना जो है टैक्स कट चुका है, ठीक है, उसके बाद कितना टैक्स कटना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है नेट बैलेंस लिख रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे जो है अमाउंट ड्यू में अमाउंट ड्यू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1180 यूरो मुझे पेमेंट करनी है, और इसमें लिखा पड़ा है कि टू अवॉइड इंकरिंग मंथली इंटरेस्ट सेटल बैलेंस बाय 31 दिसंबर 2023। अगर मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी है तो मुझे ये पेमेंट कर देनी है 1180 यूरो है 31 दिसंबर 2023 तक। उसके बाद सपोज करो मैंने पेमेंट नहीं करी तो उसके बाद क्या होगा, अगर सपोज करो कि मैंने पेमेंट नहीं करी 31 दिसंबर 2023 तक तो क्या होगा मेरे साथ, तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा ब्रदर, भाइयों बहनों, मेरे साथ इंटरेस्ट की पेमेंट, देखो पेमेंट तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो होगा ही होगा 1180, उसके साथ जो है मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। जो हम पेमेंट करते हैं दूसरी विंडो पे आते हैं, ये विंडो है पेमेंट रेफरेंस नंबर की। पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको देखिए सबसे बॉटम में मिल जाएगा, और ये है पेमेंट रेफरेंस नंबर, ये आप देख सकते हो दोस्तों, लिखा है टू पे ऑनलाइन www.cfr.gov.mt या फिर / इंटरनेट बैंकिंग यूजिंग पेमेंट रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे पेमेंट रेफरेंस को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर मैं पेमेंट रेफरेंस नंबर डालता हूँ, मैं पेस्ट करके अमाउंट डालता हूँ मैं 1180 यूरो, और ये जो मैं क्लिक करता हूँ पे नो पर, पे नो पर क्लिक कर दिया, अभी प्रोसेस हो रहा है, देखते हैं लेट्स सी कि पेमेंट होती नहीं होती। और देखिए जी जैसे मैं बटन में जा रहा हूँ तो उसके बाद जो है ये जो है डेबिट कार्ड डिटेल्स मांगता है, इसमें जो है मेरा ये दिस इज टू कंफर्म दैट योर डिटेल्स हैव बीन फॉरवर्ड टू द बैंक एंड आर बीइंग प्रोसेस पेमेंट रेफरेंस नंबर दिस इज पेमेंट गियर से ट्रांजैक्शन टाइम दिस, ये मुझे इनकम टैक्स से पेमेंट आ गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको भी टैक्स पे करना है तो कैसे पे कर सकते हैं आप खुद ब खुद, कहीं किसी जाने की जरूरत नहीं है, किसी अकाउंटिंग फर्म या कोई भी ऑडिट फर्म के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद टैक्स पे कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ यार थम्सअप कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों यार। और हाँ अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भेज सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से मुझे आप मोटिवेट करते रहिए, मैं बड़े बड़े वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, राधे कृष्ण।